हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ कि जो वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला ट्रिक मेरा इस तरह से प्याज को लेके है। तो दोस्तों, क्या होता है, हम मार्केट से क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी प्याजें छाट के ले आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अंदर से प्याज ना, ज़्यादातर बड़ी प्याज हमारी सड़ी निकल जाती है। तो आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, वाइट वाले जो प्याज होता है, वाइट छिलके वाली होती है, भूरा भूरा कलर की। तो दोस्तों, ये प्याज बिल्कुल भी ना लें। अगर लेना है आपको तो बिल्कुल ही छोटा लें, क्योंकि ये बड़ा है तो ये अंदर से ये ख़राब हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा ये भूरा वाला जो प्याज, भूरे छिलके वाला होता है, ब्राउन छिलके वाला, ये बहुत जल्दी ख़राब होता है अंदर से। तो दोस्तों, जब भी आज प्याज लेते हैं तो देखिए इस तरह से जो रेड छिलके वाली प्याज होती है वही लें, ये भूरे छिलके वाले बिल्कुल भी ना लें। तो देखिए मेरा भी प्याज ये थोड़ा ये अंदर से ख़राब हो चुका है, ये भी ऊपर से। तो इस बार हमारे घर में भूरे छिलके वाली प्याज आ चुकी थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम राशन अपना सब्जियां वगैरह ले आते हैं महंगे, अगर इसमें अगर ख़राब निकल जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, प्रॉब्लम भी होता है कि हम इतने पैसे लगा के महंगी से महंगी चीज़ ले आते हैं, हमारा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी हम बड़े प्याज काट लेते हैं, हम आधे प्याज इस्तेमाल करते हैं, आधे नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो महक जाता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस तरह से प्याज के ऊपर नींबू को रफ़ करके रखिएगा तो बिल्कुल भी आपके प्याज में से बैड स्मेल नहीं आएगी, और काफ़ी दिन तक के, 9 से 10 दिन तक के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला ट्रिक दोस्तों, इस तरह से हमारे पन्नी को लेके है। तो दोस्तों, इस तरह से पन्नियाँ हम मार्केट से सब्जी वगैरह ले आते हैं, राशन वगैरह लाते हैं, तो काफ़ी सारा इस तरह से पन्नियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, हम इस तरह से टोकरी ले लिए हैं, टोकरी के ऊपर हमने उल्टी पन्नी इस तरह से कवर करके चढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से होता क्या है, जब भी हम कोई साग सब्जी वगैरह इस तरह से छीलते हैं, तो आपने देखा है इस तरह से हम अलग से छीलते हैं और हमारा किचन स्लेप भी गंदा होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों, हमारा टाइम का भी बचत हो और हमें सफाई भी ना करना हो। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है, इस तरह से अगर जब भी आप साग सब्जी छीलते हैं तो इस तरह से टोकरी के ऊपर पन्नी पहना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो भी आपका किचन स्लेप भी गंदा नहीं होगा और आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से हम पन्नी को पलट के बहुत इजी तरीके से हम इसको उठा लेंगे, ना ही हमारे नीचे कूड़ा हुआ है, ना ही हमें पोछा लगाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बिल्कुल साफ़ है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक दोस्तों, इस तरह से हमारी भिंडी को लेके है। तो दोस्तों, हम इस तरह से मार्केट से भिंडी ले आते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा दिन तक के रखते हैं तो इस तरह से हमारी भिंडियाँ कुछ ना एक ख़राब होने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह से भिंडी को धुल लेना है, और धुलने के बाद आपको इसको कपड़े से साफ़ कर लेना है। कपड़े से साफ़ करने के बाद आपको करना क्या है, आप जो घर में अपने तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड हो गया, सरसों हो गया, तो जो भी आप इस्तेमाल करते वही तेल इसके ऊपर रफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से रफ़ करने के बाद क्या है ना कि इसको अच्छी तरह से तेल से रफ़ कर दीजिए, और रफ़ करने के बाद आप इसको दोबारा पन्नी में इस तरह से भर के रख दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से पन्नी में भर के रख देंगे, और भर के इस तरह से रखेंगे भिंडी, तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है और काफ़ी दिन तक के चलेगा। दोस्तों, क्या होता है, इस तरह से जब हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में आपने देखा होगा पन्नी के अंदर पानी चला जाता है, तो अब हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, ये पन्नी में एक गांठ लगा लेना है। और गांठ लगाने के बाद मुझे करना क्या है, पन्नी में इस तरह से हम चाकू या कैंची की हेल्प से इस तरह से हम छेद कर लेंगे, तो जो भी इसमें ऑक्सीजन वगैरह अंदर बनता रहेगा बिल्कुल ये क्लीन होता रहेगा, और पानी जो रहेगा बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं रुकेगा, और पानी नहीं रुकेगा तो ये आपकी भिंडी बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो दोस्तों, अगला भी ट्रिक मेरी इस तरह से भिंडी को लेके है। तो दोस्तों, हम बाज़ार जब जाते हैं इस तरह से हम भिंडी वगैरह लेते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, और जो भिंडी वाले भैया लोग रहते हैं इस तरह से पानी वगैरह छिड़क के बिल्कुल भिंडी को हरा करके रखते हैं, हरा करके रखते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि कड़ी भिंडी है या मुलायम भिंडी है। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी आप भिंडी को लेते हैं ना तो ऊपर से इसको तोड़ के ज़रूर देखिएगा कि इसमें से भिंडी हमारी कड़ी कौन सी है। तो दोस्तों, इतने महंगे हम सब्जी वगैरह ले आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारी काफ़ी कड़ी भिंडी आ चुकी है, और इस तरह से हम पैसे लगा के ले आते हैं तो बहुत दुख भी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप छोटी भिंडी इस तरह से देखिए मुलायम मुलायम ऊपर से तोड़ के ट्राई करेंगे
तो बिल्कुल इसमें से देखिए बिल्कुल कच्ची भिंडी है। इस टाइप में भिंडी जब भी आपको मार्केट वगैरह से सब्जियां वगैरह लेनी है तो दोस्तों ऊपर से तोड़ के जरूर ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक दोस्तों इस तरह से हमारी चाय पत्ती को लेके है। तो दोस्तों जब भी हम मार्केट से पत्ती वगैरह चाय पत्ती ले आते हैं तो एक बार इस तरह से छलने में डाल के जरूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों आपने देखा है कि जब भी हम चाय पत्ती लेते हैं नीचे इसमें कितना निकलता है। तो दोस्तों एक रीज़न इसका ये है कि आपने देखा है कि जब भी हम चाय पीते हैं तो चाय के नीचे लास्ट में चाय में इस तरह से चाय का चूर रहता है। तो दोस्तों ये जो चाय का चूर रहता है तो दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। बहुत सारे हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बीमारियां भी बना देती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों इस बीमारियों से दूर रहिए। जब भी आप चाय पत्ती ले आते हैं इस तरह से आप आटे वाले छन्नी में इसको एक बार छान के जरूर ट्राई कीजिएगा। ये जो नीचे का चाय पत्ती का चूर रहता है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और दोस्तों ये जो क्या है ना जो चाय पत्ती के नीचे वाला ये चूर है इसको हमें करना क्या है, इसको आप अगर आपके घर में गमले वगैरह है तो उसमें डाल दीजिए। ये गमले के लिए बिल्कुल रामबाड़ का काम करता है, जैसे कि हम बाहर से खाद वगैरह ला के डालते हैं अपने गमले में बिल्कुल काम करेगा, ये काफ़ी ग्रोथ करेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक भी मेरा इस तरह से ये डिब्बे को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से डिब्बे हम जब मार्केट वगैरह से ले आते हैं हम इसको फेंक देते हैं। तो देखिए हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम इस तरह से जब अपने घर और किचन में इस तरह से तेल की बोतलें रहती है, घी की बोतलें रहती है, तो दोस्तों क्या होता है जब भी हम तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा है किनारे से इस तरह से हमारा डिब्बा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। डिब्बा ख़राब होता है तो आपने देखा है इस तरह से किचन स्लेब भी ख़राब हो जाता है। किचन स्लेब ख़राब हो जाता है तो हमें बार बार सफाई करनी पड़ती है, काफ़ी चिपचिपा भी रहता है। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि जगह जगह हमें किचन स्लेब पे इस तरह से कपड़े लगाने हैं। तो देखिए इस तरह से डिब्बे हैं, तो देखिए इस तरह से अपने किचन के जो भी डिब्बे हैं तो इस तरह से आप इसमें हैंग करके रख देंगे तो बिल्कुल भी आपका किचन स्लेब भी नहीं गंदा होगा और ना ही आपको सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार हम सफाई कर लेंगे तो काफ़ी दिन तक के चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे वीडियो का आप लोग दुनिया के कौन से कोने देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।